नमस्कार, मैं नागेश फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका स्टार एपेक्स न्यूज़ में। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक मजदूरों की पूरी भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई है। ये कोई भीड़ या कहीं जाने, मतलब इन सब को अपने घर अपने वतन वापस जाना है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ये लोग पर राज्यों में अपने घर से दूर कहीं अटके हुए थे। अब इन लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, अब अपने वतन अपने घर जाने की इन्हें जीत लगी है। इसी का एक उदाहरण है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग अपने परिवारों को लेके अपने घर अपने वतन जाने के लिए पैदल निकल पड़े। एक तरफ सरकार से इनकी एक जो उम्मीद थी वो टूट चुकी है और ये अपने घर पैदल ही पलायन करने के लिए निकल पड़े हैं। इनकी सरकार से उम्मीद थी कि सरकार इन्हें अपने घर पहुँचाएंगी, लेकिन वो उम्मीद कहीं ना कहीं इनके तरफ से नाकाम होते हुए दिख रही है। और सरकार भी इन मजदूरों को लॉकडाउन करते समय भूल गई थी, इसी का एक उदाहरण आप देख सकते हो। कोई हैदराबाद से आ रहा है तो कोई कर्नाटका से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, हर कोई अपने घर जाने के लिए पैदल निकल पड़ा है अपने परिवारों के साथ। हमने जब इन मजदूरों से बात की तो हर एक किसी की हर एक कहानी थी, हर एक किसी का अलग अलग बयान था, लेकिन हर एक किसी का आखिरी में एक ही सवाल था कि सरकार हमें हमारे घर क्यों नहीं पहुँचाती, सरकार हमें हमारे घर क्यों नहीं ले जाती। जब सरकार हमारे देश के बाहर लोग जो अटके हुए थे, जो वुहान जो हॉटस्पॉट घोषित हो चुका था विश्व के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, वहाँ के लोगों को ला सकती है, तो सरकार हमें अपने ही देश में रहकर अपने घर अपने राज्य क्यों नहीं पहुँचाती। कहाँ जाना है? हमको मध्य प्रदेश जाना है। कितने दिन से वहाँ पे थे? हम 7 दिन हो गए, आज से 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए। जहाँ एक तरफ पूरा देश स्टे होम स्टे सेफ का नारा देते हुए अपने घर में बैठ के सिर्फ ट्विटर फेसबुक और हैशटैग यूज करके स्टे होम स्टे सेफ फाइट विद कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, उसी तरफ ये मजदूर अपने परिवारों को लेकर अपने उम्मीद जीने की उम्मीद को अपने घर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार को इनका दर्द कब दिखेंगे और कब सरकार इसके लिए एक बड़ा कदम उठाएंगी, यही प्रश्न हम स्टार एपिस के माध्यम से रखते हैं। धन्यवाद। अगर लॉकडाउन खुला वापस से तो आप वापस काम करने जाओगे क्या? नहीं जाएंगे। क्या करेंगे सर उससे दूर जाके? फिर कोई मतलब नहीं, अब खेती किसानी का काम आ गया, अपना खेती किसानी करते अपना मध्य प्रदेश। ठेकेदार ने तो ऐसे भी पैसे नहीं दिया वहाँ पर, इसके वजह से परेशानी की वजह से आना पड़ा हमारे तो। हमारे को मालूम है कि लॉकडाउन है तो हम जाते कैसा, ये भी मालूम है हमारे को, लेकिन अब मजबूरन क्या करें, अब वहाँ मरने के बजाय रास्ते में मर जाएंगे, वो ठीक रहता। सरकार ने जो लॉकडाउन किया उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर हम उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं, लेकिन अपने को जैसे अब यहाँ से बांधने के जाने का तो कुछ भी नहीं छोड़ के नहीं दे रहा, और वहाँ का जो पुलिस है सरकार है वो लोग खाने पीने का भी हर जगह में मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से वहाँ तक आदमी वो लोग छोड़ के दे रहा है।